दुष्कर्म के केस में विशेष न्यायालय की रिपोर्ट। कानून का ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल पुलिस को या कोर्ट में धारा 164 में दिए बयान के आधार पर सजा दी जा सके। 10 लाख रुपए में सेटलमेंट की अवैध मांग की पूर्ति नहीं होने पर महिला थाना की सब इंस्पेक्टर ने युवती से साठ गांठ कर दर्ज किया था केस। ये कहना है व्यापारी अधिवक्ता गण कृष्ण कुमार कुन्हारे और ईश्वर कुमार प्रजापति का। उन्होंने कहा कि डीआईजी महोदय को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रेषित जांच में पाया कि युवक व्यापारी को बुलाकर समझौता कराने, पैसे कम कराने संबंधी बात नहीं करनी थी। चूंकि समझौता कराना पुलिस की कार्य परिधि में नहीं आता है, ये न्यायालय का अधिकार है। ये रिपोर्ट सहित युवती की एफएसएल रिपोर्ट में दुष्कर्म के सबूत नहीं मिलने के बाद व्यापारी को कोर्ट ने राजबाड़ा के पीड़ित व्यापारी विनोद दुगा जो हमारा पक्षकार है उसको थाने पर बुलाया गया और बोला गया कि तुम्हारी मित्र ने तुम्हारे खिलाफ आवेदन दिया, आप थाने पर आओ। जब ये युवक थाने गया तो इससे 10 लाख रुपए का सेटलमेंट की बात की गई और नहीं देने पर शादी का झांसा देने के दुष्कर्म के रेप में फंसाने की धमकी दी। इसने मना कर दिया। फिर एक दिन इसी सब इंस्पेक्टर महोदय का उक्त युवक के मोबाइल पर फोन आया और बोले कि आपको थाने आना पड़ेगा। तो पीड़ित ने बोला कि चूंकि मैडम वो मेरे 10 लाख रुपये आप लोग मांग रहे हो, मैं कहाँ से दूंगा। तो मैडम ने बोला कि 10 लाख रुपये कहाँ, आप लोगों ने दे दिए, कम ज़्यादा कर लेंगे, आ जाओ। ये इसने सीढ़ी बना ली थी। उसके बाद जब थाने गया और जब पैसे देने से इसने मना करा, अवैध मांग की पूर्ति से मना करा, तो इसको शादी के झांसा देने के दुष्कर्म के रेप के केस में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और जेल भिजवा दिया। हमने कोर्ट में जमानत प्रस्तुत करी और उक्त सीढ़ी पेश करने पर इसको जमानत का लाभ मिल गया। जमानत का लाभ मिलने के इसने तुरंत बाद ही श्रीमान डीआईजी हरिनारायण चार्ज मिश्र तत्कालीन डीआईजी महोदय की शरण ली, उनको पूरा प्रमाण सौंपे और सीढ़ी भेजी और मनीषा डांगी के कृत्य को बताया। उन्होंने इस जांच को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महाअधिक पुलिस अधीक्षक महोदय मनीषा पाठक सोनी जी को दी। मनीषा पाठक सोनी जी ने पूरे मामले की जाँच करते हुए अपने जाँच में ये खुलासा किया कि उक्त दिनांक को जब विनोद दिगवा थाने पर उपस्थित था तो उक्त दिनांक को विनोद दिगवा को थाने पर बुलाकर समझौता कराना एवं पैसे कम कराने संबंधी बात नहीं करनी थी, चूंकि समझौता कराना पुलिस की कार्य परिधि में नहीं आता, यह न्यायालय का अधिकार है। ये कमेंट हमारी शिकायत पर तत्कालीन उक्त पुलिस सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध की थी, जिस रिपोर्ट को हमने कोर्ट में पेश करा। साथ में ही उस युवती ने भी कोर्ट में आके ये बताया कि मेरे से थाने पर ही आवेदन लिखवाया गया और थाने पर ही दबाव डलवाया गया कोर्ट में बयान देने के लिए। और साथ में ही जो युवती की ऑफिशियल रिपोर्ट हुई मेडिकल, उसमें दुष्कर्म के उसके कपड़ों पर ऐसे सबूत नहीं मिले। इन सब चीज़ों को लेकर कोर्ट ने अपने न्यायालय निर्णय में सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण अभिमत दिया कि विधि का ऐसा कोई नियम नहीं कि पुलिस में दिए गए बयान या धारा 164 में दिए गए बयान के आधार पर किसी को सजा दी जा सके और इसमें पुलिस अपना प्रकरण प्रमाणित करने में असफल रही। उक्त कमेंट के साथ में और पीड़िता ने पूरे पीड़ित पर थाने पर दबाव डलवा के बयान बनवाए गए और आवेदन दिलवाया गया। इन कमेंटों के साथ में कोर्ट ने इसके अंतर्गत हमारे पीड़ित व्यापारी को दोषमुक्त किया। इसी के साथ उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर एक अन्य न्यायालय ने भी सब इंस्पेक्टर महिला के साथ में उक्त रिपोर्ट लिखाने वाली युवती के विरुद्ध ब्लैकमेलिंग और अन्य धाराओं में प्रारंभिक जांच परिवाद पर प्रारंभ कर। वर्तमान में हमारी जानकारी अनुसार ये थाना भवर गांव में पदस्थ है। चूंकि मेरा यही वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है कि क्योंकि जो इसमें के जिस एडिशनल एसपी महोदय ने इस प्रकार की कमेंट अपने जांच में करी है तो ऐसे व्यक्तियों के आधार में इस प्रकार का पावर नहीं देना चाहिए जो इसका मिसयूज कर। कृष्ण कुमार कुन्हारे।